सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं घंटे का बटन, जिससे आप पाएंगे और नई जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ में तीन महत्वपूर्ण रेखाओं के विषय में बताऊंगा। ये जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा नहीं है, ये भाग्य रेखा के तौर पर विशेषकर मैं बताऊंगा कि आप देख सकते हैं इस हाथ में कि एक ही भाग्य रेखा से इस प्रकार से अलग अलग ब्रांचेस निकल के जा रहे हैं। एक मरकरी मतलब बुध पर जा रहा है, एक शनि पर जा रहा है और एक सूर्य पर जा रहा है, और इसके अलावा भी एक दो भाग्य रेखा और मौजूद है, तो उसके विषय में आप सभी को बताऊंगा। लेकिन सर्वप्रथम मैं यहाँ पर होल हैंड एनालाइज कर रहा हूँ, मतलब पूरे हाथ का विश्लेषण कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इनके पाल्म के साइज के ऊपर चर्चा किया जाए तो शुक्र ज़्यादा उभरा हुआ है और चंद्रमा थोड़ा कम है, जो थोड़ा मेंटेन इनके साइज को नहीं कर पा रहा है। और फिंगर की अगर चर्चा की जाए स्पेसिफिक, तो फिंगर की लेंथ जो है थोड़ी सी शॉर्ट है पूरे हाथ के कंपेरिजन में। तो देखा गया है कि ऐसे लोगों में ज़्यादा एनालिटिकल पर्सनैलिटी नहीं होती है, मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले या फ्यूचर में नया प्लान बनाने से पहले अच्छे से एनालाइज नहीं करते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग या फटाफट वाली थोड़ी सी जल्दबाजी वाले इनके निर्णय होते हैं। फिंगर में और ज़्यादा अगर खासियत से देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी शॉर्ट है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक नहीं पहुँच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल ऐसे लोगों में वीक पाया गया है। वहीं शायनेस मतलब शर्मीलापन भी बहुत ज़्यादा होता है अपोजिट सेक्स के प्रति। प्रॉपरली अपनी बात नहीं रख पाते हैं, हिचकिचाहट हो सकती है या घबराहट सी होती है, स्टेज फियर ऐसे लोगों में ज़्यादातर पाया गया है। वहीं थर्ड फिंगर और फर्स्ट फिंगर के बीच के अगर चर्चा किया जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा है, तो इनकी जो एक एटीट्यूड रहेगा इनमें वो ज़्यादातर रॉयलिस्टिक वाला रहेगा। ऊँचे ऊँचे लोगों और ऊँचे ऊँचे जो पद पर विराजमान है ऐसे लोगों के साथ ऐसे मतलब ज़्यादातर इन लोगों का संबंध होता है। बहुत अच्छा रॉयल लाइफ जीने के ज़्यादा इच्छुक होते हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती हैं, और जहाँ जाते हैं एक न एक अपना रुतबा या एक न एक अपना एक पोजीशन हमेशा ज़रूर मेंटेन करके रखते हैं। वहीं फिंगर के ऊपर देखी जाए तो बारीकी से तो सीधी खड़ी रेखा अत्यंत शुभ होती है, फ्रेंडली नेचर की निशानी है। ऐसे लोग लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं, इन्हें ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होता है और तकरीबन हर माहौल में ढल भी जाते हैं। अब यहाँ पर आए इनके पाल्म के ऊपर, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पर्वतों के विषय से पहले यहाँ पर जो भाग्य रेखा है उसके विषय में मैं बता देना चाहूँगा कि भाग्य रेखा का अपने आप में बहुत बड़ा अमूल्य एक स्थान होता है हाथ में। ये बताता है कि व्यक्ति का किस्मत कितना साथ देगा। किस्मत वही होता है कि ऐसा व्यक्ति जो भी चाहे, जो भी उसका ड्रीम है, वो करने में उसको ज़्यादा दिक्कत परेशानी या फिर कोई कठिनाइयाँ ना आए, उसी को भाग्य बोलते हैं। जब किसी का किस्मत ख़राब हो तो जो भी उसको हासिल करना होता है अपने लाइफ में या कुछ भी उसका छोटा छोटा ड्रीम भी, उसको भी हासिल करने में बहुत दिक्कत परेशानी होती है। और वहीं अगर अच्छा हो तो ऑटोमेटिकली रास्ते जो है बनते जाते हैं या आसानी से मिलते जाते हैं, या किसी का सपोर्ट के कारण ऐसे लोग बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर जाते हैं। और अगर किसी के हाथ में एक से ज़्यादा भाग्य रेखा हो तो ऐसे लोगों को एक से ज़्यादा फील्ड में सक्सेस मिलने का अपार जो है चांसेस, मतलब बहुत हाई लेवल के चांसेस मौजूद होते हैं। तो वहीं देखते हैं इनके पाल्म के ऊपर, तो देखा जाए तो तकरीबन मणिबन से थोड़ा सा ऊपर ही एक भाग्य रेखा इस प्रकार से निकली हुई है, हल्की सी। आप सभी को ज़्यादा डिटेल में बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इस प्रकार से निकली हुई है, और वहीं एक जो है शुक्र पर्वत के नीचे से इस प्रकार से आती हुई एक रेखा सीधे पहुँच गई है मरकरी पर, उसी में से एक शाखा निकल के सीधे पहुँच गया है शनि पर्वत पर यहाँ पर, और इसी में से एक शाखा इस प्रकार से निकलते हुए थोड़ा कंबाइन होते हुए शनि पर्वत तक गया हुआ है। तो ये जो योग है ये अत्यंत ही शुभ योग है, क्योंकि जो तीन पर्वत और तीन ग्रह हैं यही सबसे मेन है। मरकरी मतलब बुध तक पहुंचने वाली भाग्य रेखा बताती है कि ऐसा व्यक्ति में बिजनेस स्किल बहुत अच्छा रहने वाला है, जिसके कारण बिजनेस में बहुत अच्छे सक्सेस का जो है मौजूद होता है, क्योंकि ये बिजनेस लाइन ही है। सन माउंट इनका बता रहा है कि सन माउंट पे जो ये रेखा पहुंच रही है, ये जो एज है ये तकरीबन 30+ 35+ है। 35+ मेन के बाद इनको जो है अचानक से बहुत अच्छा फेम, पॉपुलैरिटी या समाज में इज्जत मान सम्मान और प्रतिष्ठा वगैरह बहुत अच्छे से मिलने का योग है। ये गवर्नमेंट जॉब को भी शो करता है कि अगर ये चाहे कि गवर्नमेंट जॉब ये करना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में ये चाह रहे हैं कि उनको उच्च पद मिले, तो वो अचानक से मिलने का योग ये बताता है।
और शनि पर्वत तक पहुंचने वाली भाग्य रेखा बताती है कि ऐसा व्यक्ति अपने पूरे लाइफ में सेटिस्फाई तो जरूर रहेगा, चिंताएं थोड़ी बहुत जरूर रहेंगी क्योंकि पर्वत थोड़ा सा वीक दिख रहा है, परंतु ऐसे लोग सेटिस्फाई जरूर होते हैं, मतलब संतुष्ट अपने जीवन से जरूर होते हैं। और संतुष्ट वही व्यक्ति होता है जिसके सारे इच्छा अरमान ड्रीम वगैरह ये सब पूरे होते हों। तो ये तीन अत्यंत जो शुभ भाग्य रेखा है ये इनको बहुत लक्की बनाएगा। थोड़ी रेखाएं इसमें काट रही हैं एक दूसरे को, थोड़ा सा अफेक्ट इनका कम हो सकता है, अदरवाइज कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आता हूँ इनके पर्वतों के विषय में। तो गुरु पर्वत की चर्चा की जाए तो गुरु पर्वत पे आप हल्का सा एक जो है रिंग का साइन देख पाएंगे जो शो करता है धार्मिकता को। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही धार्मिक होता है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ही ऐसे लोगों में दयालुपन भी होता है, दूसरों के ऊपर दया दृष्टि रखने वाले होते हैं। शनि पर्वत की चर्चा की जाए तो एक से ज़्यादा पहुँचने वाली रेखा एक से ज़्यादा सोर्स से अर्निंग को शो करता है, एक से ज़्यादा सोर्स से ये जो है कमाएंगे, अच्छा खासा इनकम का सोर्स हमेशा बना रहेगा। सूर्य की चर्चा की जाए तो सूर्य पर इस प्रकार से निकलने वाली जो एक से ज़्यादा शाखाएं बाद में निकल जाती हैं ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाता है, क्योंकि ये शो कर रहा है कि थोड़ा कन्फ्यूजिंग माइंड होगा। ऐसे लोगों में काबिलियत बहुत अच्छी होती है फेम पॉपुलैरिटी पाने की, पर ये मिलने ये साइन जो है ये शो करता है कि थोड़ी सी देरी होगी, क्योंकि सूर्य पर्वत पर एक रेखा से निकलने वाले ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं सही नहीं माना गया है। परंतु यहाँ पर जो रेखा पहुँच रही है ये इसे थोड़ा सा जो है स्ट्रांग करती हुई दिख रही है, जो इनको समाज में एक अच्छा रेपुटेटिव पर्सन इनको बना करके ही रहेगी। मरकरी की चर्चा की जाए तो मरकरी पर देख पाएंगे कि एक से ज़्यादा सीधी खड़ी रेखा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की निशानी होती है। ऐसे लोगों में कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है कि लोग इनसे इम्प्रेस हो जाए या फिर ये जो है लोगों को बांधे रखे। अब वो चाहे बॉडी लैंग्वेज हो या इनका टॉकिंग मतलब बात करने का अंदाज मतलब अंदाज हो या हीलिंग क्वालिटीज भी देखी गई है कि ऐसे लोग दूसरों का दुख तकलीफ भी समझते हैं, और इसी कारण से लोग ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। हार्ट लाइन मतलब हृदय रेखा की चर्चा की जाए तो हृदय रेखा में आप देख पाएंगे यहाँ पर कि इस प्रकार से जो फॉर्मेशन बनती है ये शो करता है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा रोमांटिक किस्म का ज़्यादा रहेगा, फ्लर्टी नेचर रहेगा या अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हार्ट लाइन इस बारे में बहुत अच्छे से बता देती है। और गुरु पर्वत तक पहुँचने वाली रेखा शो करती है इमोशनल नेचर को, तो भावुकता इनके अंदर कूट कूट के भरा रहेगा। भावुकता मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति ज़्यादा दुख तकलीफ किसी का नहीं देख सकता, जल्दी रो देता है, या इमोशनल जो है मतलब इमोशनल मतलब वही कि दिल बोल मतलब ऐसे लोगों का दिल जो है बहुत जल्दी पिघल जाता है, सॉफ्ट हार्ट के होते हैं। अब वहीं यहाँ पर देखा जाए तो हार्ट लाइन में तो ज़्यादा मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, परंतु अगर बारीकी से देखा जाए तो थोड़ा तकरीबन 40 प्लस एज के बाद जो है इनको हार्ट रिलेटेड या थोड़ा स्वास्थ्य में ऊपर नीचे मतलब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहने वाला है। माइंड की चर्चा करूँ तो माइंड लाइन देख पाऊंगा कि यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट चल रही है, मतलब लाइफ लाइन से जो है डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चल रही है, तो प्रैक्टिकल माइंड भी रहेगा, साथ ही साथ जिद्दीपन भी इनमें ज़्यादा रहने वाला है, और मनमोजी टाइप के रहेंगे, जो इनके मन में आए वही ये करना पसंद करेंगे, दूसरों का बहुत कम सुनने वाले रहेंगे। और माइंड लाइन जो है नॉर्मल है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड या टू द पॉइंट बात करने वाले व्यक्ति ये रहने वाले हैं। वहीं लाइफ लाइन की अब चर्चा की जाए तो लाइफ लाइन पर देख पाऊंगा कि लाइफ लाइन का फ्लो कुछ इस प्रकार से निकलते हुए थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बीच में आ रहा है, जो शो कर रहा है कि थोड़ा सेल्फ फोकस भी ये रहेंगे, परंतु फैमिली सपोर्ट और फैमिली से अटैचमेंट भी इनका अच्छा रहने वाला है। उम्र की चर्चा की जाए तो 75 प्लस एज इनकी मैं आसानी से यहाँ पर प्रिडिक्ट यहाँ पर कर सकता हूँ। और लाइफ लाइन के पैरेलल चलने वाली लाइन जो है शो करती है सपोर्ट को, तो तकरीबन 20 प्लस एज के बाद से किसी का ना किसी का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, जो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने वाला ज़्यादा रहेगा और स्ट्रेंथ बहुत अच्छी लाइफ में देगा। राहु लाइंस एक दो राहु लाइंस थोड़ी यहाँ पर डिस्टर्बिंग है कुछ इस प्रकार से देख पाएंगे, यहाँ पर तकरीबन 23-24 एज और उसके बाद 32 प्लस एज के बाद थोड़ा अफेक्ट इसका रहने वाला है, परंतु डरने वाली बात नहीं, क्योंकि सपोर्टिव लाइन गार्जियन एंजल लाइन सपोर्ट बहुत अच्छा कर रही है। मंगल की चर्चा की जाए तो मंगल से निकलने वाली रेखा थोड़ा एग्रेशन को भी शो करती है, परंतु एग्रेशन पे आपको कंट्रोल अच्छा हो जाएगा आफ्टर आपका जो लवर मिलेगा उसके बाद। और मंगल की यहाँ चर्चा की जाए तो पॉजिटिव मार्स बहुत अच्छा जो है यहाँ पर पॉजिटिव मार्स की चर्चा की जाए तो अच्छा है, और नेगेटिव मार्स दोनों अच्छे हैं उभरे हुए हैं, तो अपने कार्य क्षेत्र में प्रभावी रहेंगे, आक्रामक प्रवृत्ति जरूर रहेगी परंतु कार्य क्षेत्र में रहेगी जो है स्वभाव में ज़्यादा नहीं रहने वाला है, मतलब आपका जो नेचर रहेगा उसमें एग्रेशन ज़्यादा नहीं रहेगा, आपके वर्क में ज़्यादा रहेगा।
अब यहाँ पर चर्चा की जाए शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, तो शो करता है ये एडिक्शन को, तो किसी न किसी चीज के एडिक्ट हो सकते हैं। अपोजिट सेक्स के प्रति झुकाव तो ज्यादा ही दिख रहा है इनके हाथ में, और सेक्स एडिक्शन भी रह सकता है, या किसी न किसी प्रकार का एडिक्शन इनको रहने की संभावना है। अदरवाइज देखा जाए तो शुक्र पर्वत ज्यादा उभरा हुआ है और गुरु पर्वत भी ठीक है, तो लग्जरीज और सुख सुविधा के साधन अच्छे रहेंगे। आड़ी रेखा थोड़ी अननेसेसरीज वरीज लाइन होती है, ये शो करता है कि थोड़ा फैमिली रिलेटेड या वाइफ रिलेटेड या वाइफ के घर वालों से रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड थोड़ी सी चिंताएं आपको लाइफ में ज़्यादा रहेंगी। मनी की चर्चा की जाए तो मनी तो लाइफ में अच्छा बना रहेगा, परंतु थोड़ा खर्चीला हाथ भी आपका देखने को मुझे मिल रहा है। अब यहाँ पर चर्चा की जाए केतु की, तो केतु पर्वत कुल मिला के शुभ है, यहाँ पर शुभ सिग्निफिकेंस थोड़ा सा बनते हुए मुझे दिख रहा है, लेकिन कुल मिला के केतु नॉर्मल है और वहीं चंद्र से निकलने वाली ये लाइन विदेश यात्रा करवाएंगी आपको, और विदेशी भूमि से अच्छे लाभ के योग भी बनते हुए देखे जा रहे हैं। एक रेखा मंगल के क्षेत्र से, मतलब पॉजिटिव मार्स से निकल के, बहुत हल्की रेखा है वैसे ये, परंतु इस प्रकार से मतलब ये रेखा बन ही रही है और इस प्रकार से यहाँ तक निकली है, तो राजनीति के तौर पे भी आप आगे जा सकते हैं और राजनीति से रिलेटेड या सोशल वर्कर बन करके बहुत अच्छा आपको फेम, पॉपुलैरिटी, इज्जत, सम्मान मिल सकता है। अदरवाइज देखा जाए राहु की, तो राहु थोड़ा सा एक दो जगह पे डिस्टर्बिंग है, थोड़ा कम दबा हुआ भी दिख रहा है, तो थोड़ा सा ये अचानक से कोई प्रॉब्लम देने वाला योग बनाएगा, परंतु ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ग्रह जो है कुल मिला के अच्छे हैं। जो भी आपकी रेमेडीज हैं वो सब मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगा, और इस हाथ में तकरीबन जितनी बातें थी सब मैंने कवर करने की कोशिश करी। इसके अलावा और अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट में पूछें, मैं सबका जवाब दूंगा, और वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।